एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं कान्हा जी के लिए एक हैट। जो हमने ये ड्रेस बनाई थी ये आज हमारी कंप्लीट हो गई है इस हैट के साथ। ठीक है, बहुत ही सुंदर लग रही है और इजी भी है इसको बनाना। सिर्फ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो जैसा मैंने बताया वैसा आप कीजिएगा, एकदम सेम बिल्कुल ऐसी बन के आएगी। ठीक है, और एक बात और बता दूँ, कमेंट आते हैं कि इतने नंबर के और इतने नंबर, जैसे मैंने ये 9 और 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है तो इसी में हमको कमेंट आया है कि 5 नंबर या 6 नंबर के बताइए। तो देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा तो इसी डिजाइन में अलग कलर के प्रोजेक्ट में लेके आऊँगी इससे छोटे। ठीक है, तो एक तो ये होता है और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर हम जो ये हमने चोली बनाई है, सॉरी ये घेरा बनाया है, इसमें अगर हम 4 फंदे कम करेंगे तो ये 8 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हो जाएगी। फिर और 8 नंबर कम करेंगे तो 5 और 4 नंबर के लिए हो जाएगी। इस तरह से थोड़े थोड़े फंदे कम कर लेते तो हो जाती है। और यहाँ पे चोली जो दी है, मेरे चैनल में देखेंगे तो आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोलियाँ भी दी गई हैं। और आपको नहीं मिल रही या नहीं दी है, जिस नंबर की नहीं दी है आगे जाके मैं उस नंबर के बना करके अपलोड जरूर करूंगी। ठीक है, तो डिजाइन ऐसे ही बना लीजिए आप, फंदे उस हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत जल्दी मैं इसका छोटा एक पैटर्न लेके आऊंगी, छोटी ड्रेस लेके आऊंगी, तो आप उसको देख सकेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज हम इसकी हेड बनाना सीखेंगे, तो चलिए इसकी हेड बना लेते हैं। तो देखिए, 3 कलर है हमारे पास। यहाँ पे मैंने 11 नंबर के नीडल लिए हुए हैं। तो इसका बेस हमारा व्हाइट कलर का है, आप चाहे तो पूरा व्हाइट कलर का बना सकते हैं, आप चाहे तो रेड कलर का, किसी भी कलर का बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे व्हाइट कलर से 38 फंदे ले लिए। ठीक है, 38 फंदे ले लेंगे और इसको बना लेंगे हम इस तरह से पर्ल में। छह रो बना लेंगे दोनों साइड, उल्टी साइड भी सीधी साइड भी, इसी तरह पर्ल में ही बनाएंगे और इसको 6 रो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने पर्ल में 3 लाइनें बना ली हैं, 1 2 3, 6 रो बना लिए। ठीक है, उल्टी और सीधी मिला करके 6 रो हो गए हैं। अब हमको सीधी रो बना लेनी है और एक फंदा ऐसे ले लेंगे, दूसरा फंदा बना लेंगे सीधा। ठीक है, इसके बाद हम फंदे बढ़ा लेंगे। फंदे बढ़ाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, तो मैं ऐसे बढ़ाऊंगी, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे बढ़ा लीजिए। ठीक है, एक फंदा बनाएंगे और एक ऐसे ले लेंगे, एक फंदा बनाएंगे और एक ऐसे ले लेंगे, एक बनाना है एक बढ़ाना है। ये बन गया और ये बढ़ गया, तो हर फंदे के बाद एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा, तो ये सारे फंदे डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरी रो हम इसी तरह से बना लेंगे, डबल फंदे कर लेंगे। तो देखिए सारे डबल हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक उल्टी और एक सीधी, 2 रो बना लेंगे। बैक साइड की रो हमको उल्टी बना लेनी है पर्ल में इस तरह से। ठीक है, तो ये उल्टी और सीधी 2 रो कंप्लीट करके फिर आते हैं उल्टी साइड में। तो देखिए यहाँ पे बैक रो कंप्लीट कर ली, अब हमने एक फ्रंट की एक बैक की 2 रो कंप्लीट कर लेनी है। 2 रो कंप्लीट करके आती हूँ वापस सीधी तरफ। ठीक है, तो देखिए फंदे बढ़ाने के बाद हमने एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी, 3 रो बना ली है। ठीक है, इतना बन चुका है। अब हम यहाँ पे कलर लगाएंगे, अगर आपको एक ही कलर का बनाना है तो एक ही कलर का बना लीजिए, अगर कलरफुल बनाना है तो कलरफुल बना दीजिए। ठीक है, यहाँ से हम इस धागे में दूसरा कलर ले लेंगे। ये देखिए, ठीक है, पहला फंदा हमने ऐसे बना लिया और दूसरा, 2 फंदे बना लेंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे और जाली के साथ 2 का 1 करेंगे। ये देखिए जाली भी हो रही है और 2 का 1 भी हो रहा है। ठीक है, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 भी करेंगे।
जाली तो देंगे, जाली से एक बढ़ेगा तो साथ में एक घटेगा भी, ठीक है। तो इससे जितने फंदे हैं हमारे उतने ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न निकल जाएगा जो हमारी कैप को गोलाई देगा। तो इस तरह से पूरी रो बना लेते हैं। ये देखिए धागा आगे करेंगे, देखिए धागा आगे करेंगे, दो फंदे, पहले ये फंदा फिर ये फंदा, दो फंदों का इस तरह से एक कर लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे लेंगे और आगे वाले धागे को इस तरह से पीछे ले जाएंगे, धागा आगे और ऐसे, धागा आगे और ऐसे, ठीक है। तो चलिए इस पूरी रो को ऐसे ही बना लेते हैं, और बैक रो भी रेड से ही बनेगी, उल्टी उल्टी पूरी बैक वाली रो, पीछे जो उल्टी रो होती है हमारी, उल्टे फंदों से ही बनेगी, ठीक है। तो चलिए दोनों रो कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाली भी और बैक वाली भी। तो देखिए एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे हम जो बैक रो बनाते हैं, उल्टी रो बनाते हैं, जो इसमें जो हमारा एक फंदा तो बनेगा, ये जाली वाला जो फंदा है, कई व्यूअर्स को समझ में नहीं आता, इसको भी हमको उल्टा ही बनाना है, ठीक है। ये सीधा उल्टा, ये भी उल्टा, कोई भी हमको फंदा छोड़ना नहीं है, सारे फंदे इसी तरह से उल्टे बना लेने। ये जाली वाला जो फंदा हमारा ऐसे आया खाली, इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस कलर से हमने जाली बना ली, ठीक है, ये हो गया। अब हमको वाइट कलर से ही बना लेना है, यहाँ से रेड कलर नहीं लेना है, वाइट कलर से ही हम यहाँ पे चार रो बना लेंगे। सीधी उल्टी सीधी तीन रो बनाएंगे, उसके बाद हम फंदे बंद करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो ये सीधी रो है हमारी, इसके बाद उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें तीन रो वाइट की मैं बना लेती हूँ, सीधी उल्टी और सीधी, देखिए आ रहा होगा आपके समझ में। अब यहाँ पे हम तीन रो बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे, ये भी सीधी बन रही है, इसके बाद जो बैक वाली आएगी उल्टी आएगी, उसके बाद जो सीधी आएगी ऐसे ही आएगी, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट हो गए तीन रो। बैक रो में हम सारे फंदे कम करेंगे, जैसे हमने यहाँ बढ़ाए थे उसी तरह से फंदे कम कर लेंगे। तो शुरू में क्या किया था हमने, पहला फंदा और दूसरा फंदा, दो फंदे ऐसे ही ले लेते थे, उसके बाद पूरे हम पूरी रो हम ऐसे ही दो फंदों का एक, दो फंदों का एक करते हुए उतने ही फंदे रखेंगे जो हमने फर्स्ट में लिए थे, 38 फंदे रख लेने हमको, ठीक है। तो सारे फंदे हम ऐसे ही बंद करेंगे दो का एक करते हुए। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो कैप की फ्रिल टाइप की है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हमारी कैप शुरू हो जाएगी, कैप शुरू हम ग्रीन कलर से कर लेंगे, ग्रीन कलर लगा लेते हैं यहाँ पे चार रो, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने बांध लिया धागा। अब हम पहला फंदा ग्रीन से ही बनाएंगे, उसके बाद भी पूरी रो ग्रीन से बनाएंगे, फ्रंट बैक फ्रंट बैक चार रो हम ग्रीन से बना लेते हैं। तो चलिए चार रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने चार रो सीधी उल्टी और सीधी उल्टी चार रो ग्रीन की बना ली है। अब हम क्या करेंगे, दो फंदे व्हाइट के बनाएंगे और दो फंदे रेड के बनाएंगे, जैसा हमारा ड्रेस में फ्लावर था वैसा ही बना लेंगे, या आपको कोई और दूसरा डिजाइन पसंद हो तो वो बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दो दो फंदे हम बना लेंगे। आ गया समझ में आपके, दो दो फंदे बना लेने हैं, पूरी रो कंप्लीट करेंगे। बैक साइड में भी हम ऐसे ही बनाएंगे, जो फंदा जिस कलर का है वैसा ही बनाएंगे, लेकिन उल्टी साइड उल्टा ही बनाएंगे। तो दो रो कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे हमने दो रो बना ली है, ठीक है, उल्टी और सीधी। अब यहाँ पे ग्रीन से बनाएंगे दो रो, सीधी और उल्टी, पूरी ग्रीन से बना लेनी है। तो चलिए दो रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो रो हमने ग्रीन की बना दी, अब फिर से हम दो व्हाइट दो रेड बनाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने व्हाइट से शुरू किया था तो अब हम रेड से शुरू करेंगे, ठीक है। दो रेड दो व्हाइट बनाएंगे, तो देख लीजिए थोड़ा सा, ये हमने ऐसे निकाल लिया, पहले यहाँ पे व्हाइट थे तो अब यहाँ पे हम रेड बना लेंगे।
दो रेड हो गए और व्हाइट के ऊपर हम रेड के ऊपर व्हाइट बना लेंगे ऐसे। आगे आपके समझ में? इसी तरह से सीधी और उल्टी दोनों रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम ग्रीन कलर से ही दो रो बनाएंगे, लेकिन अब ग्रीन कलर से हमको फंदे बंद करने हैं। तो ये देखिए एक फंदा हमने ऐसे ही ले लिया, सॉरी ग्रीन कलर से बनाएंगे, एक फंदा हमने ऐसे ही ले लिया है, दूसरा और तीसरा बना लेंगे। और ये जो व्हाइट कलर के फंदे हैं इनको हम इस तरह से दो फंदों का एक कर लेंगे। रेड को तो हम बना लेंगे एक अलग एक अलग अलग अलग, और जो व्हाइट कलर के फंदे हैं उनको दो का एक कर लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो पूरी रो इसी तरह से बना लेंगे और बैक रो उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन की रो बना ली है, यहाँ पे अब फंदे कम हो गए। ठीक है, अब हम फिर से रेड और व्हाइट से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रेड है, अब हम फंदे भी कम करने हैं हमको, लेकिन अब हमारा यहाँ पे व्हाइट से बनाएंगे एक फंदा और एक फंदा बनाएंगे फिर से व्हाइट से, और दो रेड से बनाएंगे। दो रेड से जब बनाएंगे तो दो का एक जरूर करेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे और एक ऐसे बना लेंगे। ठीक है, फिर व्हाइट से बना लेंगे एक और फिर व्हाइट को एक, दो फंदों के बाद दो का एक करेंगे। जैसे ये दो फंदे बना लिए फिर दो का एक करेंगे। तो इसमें जो कलर भी आपका आएगा वो कलर लगा दीजिए। यहाँ पे दो लाल हो गए हैं हमारे, दो रेड कलर के हो गए, तो दो व्हाइट बनाने के लिए देखिए एक सिंपल और एक दो का एक कर दिया। फिर हमको एक सिंपल और करना पड़ेगा, अब हमको दो फंदों का एक करना पड़ेगा। इसी तरह से हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे दो व्हाइट दो रेड कलर के आ गए। तो जब भी बनाएंगे दो सिंगल फंदे बनाएंगे, तीसरा फंदा बनाएंगे तो दो का एक करेंगे। ठीक है, उसी तरह से बैठा लीजिए। अब बैक रो हम ऐसी जो कलर का जो है वही बना लेंगे, बैक रो में हमारे फंदे नहीं घटेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीन रो बना दिए, अब हम इसमें व्हाइट और रेड कार्ड कट कर लेते हैं इनको। अब हमको सिर्फ ग्रीन से ही बनाना है, एक रो में और फंदे घटा लेंगे उसी तरह से। ठीक है, दो फंदे बनाएंगे फिर दो का एक करेंगे, दो फंदे बनाएंगे दो का एक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बना लेंगे इसको। देखिए एक दो, दो ग्रीन बना लिए, फिर इसको भी बनाएंगे ग्रीन ही, और फिर ये रेड वाला दो का एक कर लेंगे। ठीक है, फिर दो ग्रीन बना लेंगे, फिर दो फंदों का एक कर लेंगे, फिर दो ग्रीन बना लेंगे ऐसे। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और बैक रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो भी कंप्लीट कर ली है, अब हम यहाँ पे लास्ट बार एक बार और फंदे घटा लेंगे ग्रीन कलर से ही। क्या करेंगे, दो फंदे वही दो फंदे बनाएंगे और फिर दो का एक कर लेंगे। ये देखिए दो फंदे बना लिए फिर दो का एक कर लेंगे, बस इसके बाद कोई रो नहीं बनानी है हमको। ठीक है, ये देखिए दो सिंपल बनाएंगे और दो फंदों का एक कर देंगे, दो सिंगल फंदे बनाएंगे और फिर दो फंदों का एक कर देंगे। ये हमारी लास्ट रो है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी कलर से आप क्या करेंगे, ये सारे फंदे सुई में इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ले लेंगे और इसको नोट लगा लेंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पे नोट लगाएंगे कि खुले ना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे। अब क्या करना है हमको, ये जो हमने फ्रिल बनाई है इसको इस तरह से फोल्ड करके ये जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, ये सिल लेने हैं, ये हल्का हल्का यहाँ पे सिलाई कर लेनी है इनको। ठीक है, ये देखिए ये जो फंदे बढ़ाए थे ये और ये जो फंदे बढ़ाए थे ये, इन दोनों को ऐसे सिल लेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने फंदे कम किए थे ना इसको, और जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे इसको, ये दोनों हम ऐसे लगा लेंगे। ये जो उल्टा बनाया है इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस साइड से कर लेते हैं, एकदम बराबर ले लेंगे ऐसे। ये देखिए, ठीक है, इसको ऐसे हल्की हल्की सी ताक दे करके सिल लेंगे।
बहुत सारे धागे हो गए यहाँ पे, इसको ऐसे मिलाएंगे। ऐसे ये देखिए, यहाँ से हल्का सा देंगे, बैक साइड से बड़ा भी दे सकते ताग, लेकिन फ्रंट साइड से बिल्कुल हल्का देना है आपको। ये देखिए, तो चलिए इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए ये कुछ ऐसा आ गया है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा ये। इसके बाद हम इसको बैक साइड से सिल लेंगे और ये रेड कलर का धागा यहीं रखेंगे फ्रंट साइड में, और इसको ऐसे सिल लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से सिल लेना है, यहाँ से ऊपर तक, यहाँ तक ऐसे सिल लेना है। तो चलिए इसको सिल लेते हैं यहाँ से ऐसे। तो देखिए जो ये हमने उल्टा बनाया है ना, इनको भी हमको अलग सिल लेना है, ठीक है, इनको भी ऐसे अलग से सिल लेना है। तो इनको सिल लेंगे, ये देखिए, ऐसे सिल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। पहले इसी को सिल लेंगे हम, जो हमने उल्टा बनाया है इसी को सिल लेंगे, ये देखिए, इसके साथ नहीं सिलना है, इसको अलग से सिलना है। ऐसे, ठीक है, ये सिल लिया हमने। अब यहां से सिलेंगे, तो इस धागे को हम यहां ले आएंगे, सिलते हुए ले आएंगे ऐसे। यहां पे एक नोट लगा देते हैं, यहाँ पे एक नोट लगा देंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही हम नीचे ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे। अब देखिए इस तरह से इसको अंदर से सिल लेंगे, ऐसे। तो यहां से यहां तक इसको सिल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जितने एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट कर लेंगे हम। सिर्फ हमारा यहाँ पे रेड कलर का रह गया है, इससे चाहे तो आप फ्लावर बना सकते हैं, चाहे तो इसमें इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई फ्लावर बना सकते हैं, या इस तरह से एक मोती भी लगा सकते हैं, या इसको अलग तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको देखिए, ये आ गई, अंदर से टाइट करके नोट लगा लेंगे, ऐसे, ठीक है, नोट लगा लिया, कट कर लेंगे, और ये हमारी कैप बनके तैयार है। बहुत ही सुंदर ये कैप बनी हुई है, देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने ड्रेस तैयार कर ली थी पहले ही, और जो ड्रेस बनी है इसका जो वीडियो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है। तो हेड भी आप बना लीजिए, पूरा ड्रेस का सेट हो जाएगा। और इसी में हम छोटा जो साइज होता है 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी का, बहुत जल्दी उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए, अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इस कैप के साथ। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।